अरे मैंने सुना भाई आज तेरा बर्थडे है। अरे ऐसे ही सुना था यार, दोस्त ने बताया था कि तेरा बर्थडे है यार। हैप्पी बर्थडे यार। अरे हैप्पी बर्थडे यार, जब चलता है यार। हैप्पी बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे यार। और कुछ आता भी है तुझे हैप्पी बर्थडे के सिवा? आता भी है तुझे कुछ कुछ और भी बोल लिया कर कमीने। अबे अंग्रेज की औलाद, तू ही बता दे कि क्या बोलूं और मैं। हैप्पी बर्थडे नहीं तो और क्या बोलूं। हाँ, ये पूरा वीडियो देख लेना बस, ये पूरा वीडियो देखना। देखो मैं आज ऐसे ऐसे फिर ये सिखा दूंगा कि आज के बाद में तू हैप्पी बर्थडे दे नहीं बोलेगा, समझ गया? पूरा वीडियो देखना। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि आपने देखा, हम हैप्पी बर्थडे की जगह पर कुछ ऐसे ही फ्रेजेस सीखेंगे जिनका यूज़ हम हैप्पी बर्थडे की जगह पर कर सकते हैं। तो ऐसे ही कमाल कमाल के फ्रेजेस देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सिर्फ टाइम पर मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर में और सीखते हैं हमारे जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैप्पी बर्थडे से रिलेटेड फ्रेजेस। तो हमारा पहला है विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जिंदगी में ये दिन बार बार आए। विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब चलते हैं हम सेकंड पर। तो सेकंड है हमारा आई विश यू वंडरफुल बर्थडे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा मैं आपको एक बहुत ही शानदार बर्थडे की शुभकामनाएं देता हूं। तो थर्ड वाला क्या है हमारा? मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू ऑन दिस बर्थडे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बर्थडे पर आपके जितने भी सपने हैं, जितने भी आपने सपने देखे हैं, वो सब सच हो जाए। तो आप अगर इस प्रकार से फ्रेजेस का यूज करेंगे तो जो बर्थडे, जिसका बर्थडे है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। अब चलते हैं हम फोर्थ वाले पर। तो फोर्थ वाला है विशिंग यू आर डे दैट इज एज स्पेशल एज यू आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको एक ऐसा दिन विश करता हूं जो कि जितने आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही वो दिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम फिफ्थ वाले पर चलते हैं। और फिफ्थ वाला है हमारे आई विश यू अ ब्यूटिफुल बर्थडे फॉर अ ब्यूटिफुल गर्ल। है ना, यहाँ पर किसका यूज करेंगे? गर्ल का। क्योंकि जब भी आप कहीं पे कब यूज करेंगे इसका, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? किसी लड़की को बता रहे हैं आप, तो किसी लड़की को विश कर रहे हैं तो आप जरूर क्या बोलेंगे? आई विश यू अ ब्यूटीफुल बर्थडे फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो आपका इंप्रेशन बहुत ही इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, तो छठवा है हमारा यहाँ पर विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन माई बिहाफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अब चलते हैं हम सेवंथ पर। तो सेवंथ भी बिल्कुल इसी का सिमिलर है, उसमें कुछ भी नहीं है। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली। अब यहाँ पर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, माई पेरेंट्स, कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं जहां पर मैंने फैमिली का यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं हम एट्थ वाले पर। तो एट्थ वाला है बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आज किसी का बर्थडे था और आपने उसे कल जाकर विश किया, तो उस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हैं? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मतलब देर देर वाला हैप्पी बर्थडे। ठीक है, अब चलते हैं हम नाइन्थ पर। यू आर नॉट गेटिंग ओल्डर जस्ट मोर ब्यूटिफुल हैप्पी बर्थडे। मतलब क्या हुआ इसका कि आप बड़े नहीं हो रहे, आप और भी ज्यादा खूबसूरत हो रहे हैं। इसका यूज आप किसी लड़की के लिए करेंगे। ठीक है, पर अगर हम किसी लड़के को यूज कर लड़के के लिए यूज करना चाहते हैं इसी प्रकार का कोई फ्रेज, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो वही हमारा लास्ट वाला फ्रेज है 10th नंबर का। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? यू आर नॉट गेटिंग ओल्डर जस्ट मोर हैंडसम। ठीक है, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज 10 ऐसे फ्रेजेस सीखे जिनका हम यूज कहाँ कर सकते हैं, जहां पर हम किसी को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो प्लीज गाइस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर